सिंगरौली में क्वारंटाइन किया गया एक युवक गाड़ी लेकर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने युवक पर मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है ये युवक हाल ही में बनारस से आया था और इसको होम क्वारंटाइन किया गया था। वाराणसी से लौटे दो लोगों की जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों को होम क्वारंटाइन कर दिया था, जिसमें से एक युवक ड्राइवर था जो दो दिन तक क्वारंटाइन रहने के बाद अपनी गाड़ी लेकर फरार हो गया। थाना प्रभारी ने बताया कि क्वारंटाइन किए गए लोगों को कहीं जाने आने की इजाजत नहीं होती है, यहां तक कि वे क्वारंटाइन सेंटर से बाहर भी नहीं निकल सकते। यह व्यक्ति बिना किसी जानकारी के गायब हो गया है, जिसके खिलाफ बीमारी फैलाने तथा जानबूझकर दूसरों को खतरे में डालने की धारा के तहत अपराध दर्ज किया गया है। 31 तारीख को टीएसएम कॉलोनी में रहने वाले जनार्दन खैरवार बनारस से आए थे। नियमानुसार उनको क्वारंटाइन किया गया था ड्राइवर के साथ घर पर ही, लेकिन जो उनका ड्राइवर है वो गाड़ी लेकर वहां से चला गया और क्वारंटाइन का उल्लंघन किया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।